सभी को ग्रेट मॉर्निंग। इस बिजनेस में सफल और कामयाब होना है, बहुत दूर तक जाना है, बहुत दूर, क्योंकि डायरेक्ट सेलिंग नेटवर्क मार्केटिंग दो चार दिन का बिजनेस नहीं, एक दो साल का बिजनेस नहीं, एक ही जगह में आपको लगातार काम करके अपने रेपो बनाने का बिजनेस, एक नाम बनाने का बिजनेस। उसके लिए सबसे बड़ा गुण आपके अंदर होना चाहिए जो आपको बहुत लंबे टाइम तक, बहुत दूर तक लेके जाएगा, वो गुण आपके अंदर होना ही चाहिए। अगर नहीं है तो उसको आप डालें, उस गुण को, वो गुण है लोगों की तारीफ करना। आदत नहीं है, आदत आपको बनानी पड़ेगी। ये बहुत पैसा आएगा अगर ये गुण अगर आप अपने अंदर डाल दें। मैं बार बार बोल रहा हूं, एक बार फिर बोलूंगा, लोग अगर आपको पसंद करते हैं तो आपकी बुराई को भी पसंद करेंगे, अगर लोग आपको पसंद नहीं करते तो आपकी अच्छाई भी पसंद नहीं करेंगे। तो डे बाय डे, डे बाय डे, डे बाय डे आपको अच्छा बनना है। जितना आप अच्छा बनते जाएंगे उतनी ही ज्यादा तरक्की करते जाएंगे, उतनी संपन्नता, उतनी ही दौलत, उतनी ही खुशी, उतनी ही आनंद आपके तरफ आकर्षित होगी। तो डे बाय डे, डे बाय डे हमें अच्छा बनना है। तो अच्छा बनने के लिए सबसे अहम गुण जो आपके अंदर होना चाहिए, वो गुण होता है लोगों का एडिफिकेशन या तारीफ करना। आप लोगों की तारीफ करें, आप करके तो देखिए, आप तारीफ करना चालू करें, लोगों की प्रशंसा करना चालू करें। जब आप लोगों की तारीफ करते हैं तो क्या क्या गुण उनके अंदर होते हैं, अगर आपका ग्रो लाइन आप तारीफ करेंगे तो किसी व्यक्ति से आप तारीफ करते हैं उनके अंदर क्या क्या निकलती है। पहले तो उसके चेहरे में खुशी आएगी, वो मुस्कुराएगा, वो आप किसी की तारीफ करेंगे मुस्कुराएगा, नहीं मुस्कुराएगा वो हंसी आ जाएगी। जैसे मैंने डेवल जी को एडिफाई किया, उसके अंदर से एक अलग सी खुशी हुई, सर मेरी तारीफ कर रहे हैं। दूसरा पॉइंट आता है, काम करने की प्रेरणा मिलता है। जब कोई आपकी तारीफ करता है किसी भी क्षेत्र में हो, चाहे आप आपने बेहतरीन प्लान दिखाया हो, या बेहतरीन आपने प्रोडक्ट नॉलेज दिया हो, किसी भी क्षेत्र की बात करूं, तो आप जब उस व्यक्ति की उस क्षेत्र की तारीफ करते हैं तो उसको काम करने की प्रेरणा मिलता है, इससे और बेस्ट करूंगा मैं, अगली बार इससे बेस्ट करके सर को दिखाऊंगा ताकि सर मेरे और तारीफ करें। और तारीफ अगर हो सके तो सामने करना है, और हो सके तो बहुत सारे लोगों के बीच करना है, भरी सभा में तारीफ करो ताकि बहुत सारे लोग उसको सुने उस तारीफ, तब वो देखना सर वो व्यक्ति के अंदर एक अलग खुशी होगी, वो अगली बार जब मिलेगा अलग अंदाजे बयां में आपसे मिलेगा, वो काम को गिरफ्तार बढ़ा चुका रहेगा। तारीफ, प्रशंसा, मान सम्मान, एक ऐसा व्यक्ति है किसी भी व्यक्ति से कुछ भी कराया जा सकता है, तो आप उसकी आदत डालें। फिर नेक्स्ट पॉइंट आता है मेरा, उत्साह का संचार होता है। जब आप किसी की तारीफ करते हैं तो उत्साह से भर जाता है, एनर्जी से भर जाता है, सर मेरे के, सर ने मेरे चार लोगों के बीच मेरी तारीफ की यार, सर ने बहुत सारे लोगों के बीच मेरी तारीफ की, मेरे खुद ग्रो लाइन बैठे थे उसके सामने मेरी तारीफ की सर ने। किसी भी व्यक्ति को, हम लोग सिस्टम में है तो सिस्टम की बात कर रहे हैं, आप बाहर की दुनिया में किसी व्यक्ति की तारीफ करके देखो, आपका शू पॉलिश भी कर रहे कोई व्यक्ति उसकी तारीफ करके देखो आप, क्या बेहतरीन आप शू पॉलिश कर रहे हैं, एक नंबर, जबरदस्त, ऐतिहासिक, वो अगली बार दो बार और एक्स्ट्रा मारेगा, आप करके देख लेना, उसके चेहरे में मुस्कान आएगा, वो जबरदस्त करेगा, और 10 लोग भीड़ रहेगी फिर भी अगर नेक्स्ट टाइम आप दोबारा जाओगे
उन 10 लोगों को छोड़ के आपको बोला सर आप आइए, क्यों तारीफ किया आपने, करके देखो। इन्हीं के हमें जो सिस्टम में है या हमारे जो बिजनेस में हम लोग काम करें उसी की तारीफ करें, बाहर की दुनिया की लोगों को भी तारीफ करें, तो उन काम करने की उसकी प्रेरणा मिलता है, उत्साह का संचार होता है तारीफ से। तारीफ से मनोबल ऊंचा होता है। एक आदमी का मनोबल गिर गया है, वो हताश निराश हो गया है, उस व्यक्ति को जाके आप जगा सकते सिर्फ तारीफ से। क्या जबरदस्त प्लान आप दिखाते हैं, क्या जबरदस्त मोटिवेशन देते हैं आप जिस व्यक्ति को प्लान दिखाया तो आज जबरदस्त काम कर रहे हैं, लेकिन उसका मनोबल गिरे है, लेकिन आप उसके बाद जाके उसके तारीफ कर करके उसके गुणों का बखान कर करके इस तरह से उसको एनर्जी भर सकते हैं, उसके अंदर उत्साह भर सकते हैं, उसका मनोबल को भी बढ़ा सकते हैं। ये होता है तारीफ, जिसे बोलते हैं एडिफिकेशन। तो आप जितना ज्यादा तारीफ करेंगे उससे मनोबल आपका सामने वाले का ऊंचा होता जाएगा। आप सबको एक दृष्टांत, आपको सबको याद होगा, आप सबको पता है एक दृष्टांत कि जब रामायण में समुद्र पार करने की बात आई, सब लोग सेना आए हुए थे, रामचंद्र जी सब लोग सब तो पूरे थे, लेकिन जब समुद्र पार करके लंका में माता सीता का अगर पता करना है तो समुद्र पार करके ही जाना पड़ेगा। अब उस कंडीशन में कोई जाने को तैयार नहीं, तो जामवद ने हनुमान जी की तारीफ पे तारीफ तारीफ पे तारीफ तारीफ पे तारीफ इतनी तारीफ की कि हनुमान जी बोले कि आप कर सकते हो, आप कुछ भी कर सकते हो, आप में इतनी शक्तियां हैं, आप कुछ भी कर सकते हो। ये समुद्र क्या चीज है? तारीफ पे तारीफ तारीफ पे तारीफ तारीफ पे तारीफ। और आपने देखा हनुमान जी पूरे रूप में खड़े हो गए, खुद रूप में उत्साह के एनर्जी, मनोबल, एनर्जी लेवल, काम की प्रशंसा। अब काम करना है, करके दिखाना है मेरे अपलाइन रामचंद्र जी को, अब तो करके ही दिखाना है। वो खड़े हो गए और समुद्र पार कर गए, और इतनी एनर्जी, इतनी तारीफ हुई थी जामवंत द्वारा, इतना एडिफाई हुआ होगा उनका, इसे पूरे लंके में आग लगा दी। ये होता है तारीफ, प्रशंसा, मान सम्मान, एडिफिकेशन। तो आज हर व्यक्ति का आपको एडिफिकेशन, जितने भी ग्रो लाइन है उन सबका आपको तारीफ करने, अपलाइन की भी तारीफ करने, ग्रो लाइन के किए तो आपको अपलाइन का भी करना है, क्रॉस लाइन का भी करना है, जो आपके सर्कल में आ गए अच्छा 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 बोल के तारीफ करके, आप किसी के गुणों का बखान करेंगे, अच्छा अच्छा बोलेंगे, तो वो व्यक्ति उनके मनोमल में आपके प्रति अच्छाई का निर्माण होगा। जब आप किसी के बारे में गुण के बारे में अच्छा बोलोगे, सर आपका हेयर स्टाइल बहुत अच्छा लगता है मुझे, सर आपके हेयर राइटिंग बहुत जबरदस्त, क्या लिखते हो सर गजब, सर आप क्या बोलते हो, सर जब आप बोलते हो प्लान दिखाते हो बहुत अच्छा लगता है, सर आप जो स्माइल करते हो ना सर बहुत खूबसूरत लगता है, सर आप, सर आपका जो शर्ट है ना सर उस शर्ट में जो कॉलर है ना सर मुझे बहुत अच्छा लगता है, सर आप टाई बांधते हो ना सर टाई बांधने का स्टाइल मुझे बहुत अच्छा लगता है, सर आपकी घड़ी है ना बहुत अच्छा लगता है, सर आपके जो पेन है ना सर बहुत अच्छा लगता है, सर आपका शर्ट बहुत अच्छा लगता है, सर आपके जूते बहुत अच्छे लगते, आप चीज को क्या कर रहे हो, सबकी बड़ाई करते 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 आप इट मीन सामने वाले को ये कर रहे हो कि मैं भी अच्छा हूं, मैं भी कोई चीज हूं। आप सामने तारीफ कर करके आप सामने वाले को ये बता रहे हो कि मैं भी कोई चीज हूं, मुझे भी तारीफ चाहिए, मुझे भी तारीफ चाहिए।
आप देखना, आप तारीफ करना चालू कर दोगे, उधर से बहुत हजार गुना तारीफ आपके पास आने वाली। जितना आप दोगे उतना लौट के आपके पास आने वाला। तो ये आदत में डालो आप, आज के बाद तारीफ करना चालू। और तारीफ किन किन को करना है? तारीफ जो अच्छा है किया है उसी की ही करना है क्या? सर वो अच्छा है इसलिए तारीफ करो? नो, जो उनके तारीफ के काबिल नहीं है उनको तारीफ की बहुत ज्यादा जरूरत है। हमें लगता है सर वो अच्छा किया है, वो अच्छा है इसलिए तारीफ करेंगे, वो तो धूर्त है सर, वो बात नहीं मानता, वो मेरा कहा नहीं मानता, वो तो उद्यंड है, वो सुनता नहीं है, उसकी तारीफ कैसे करूं? नो, उसको सबसे ज्यादा जरूरत है तारीफ। अगर उस व्यक्ति को उद्यंड से धूर्त से अगर वापस ठीक ठाक करना है तो एक ही मंत्र है, उसकी तारीफ। उसकी तारीफ करना चालू कर दो, वो अपना उद्दंडता अपनी धूर्तता भूल जाएगा और आप जैसे जैसे करना चाहोगे वैसे वैसे करा सकते। हमें लगता है नहीं सर उसको जरूरत नहीं है, वो आलोचना करता है, वो किसी की बुराई करता है। ना, हर व्यक्ति के अंदर होते हैं दो चार आदमी जिसको भी देखना कई बार देख, हर व्यक्ति के अंदर कुछ ना कुछ खाइशें। आप जीवन में राजहंस बने, राजहंस क्या करता है? दूध और पानी आप दे दो, वो चोच डालता है, दूध पी लेता है, पानी छोड़ देता है। हर व्यक्ति के अंदर गुणों को देखो आप, बुराई को छोड़ो, कुछ न कुछ उसके गुण की तारीफ करो, उसके काम की तारीफ करो। अगर आप वो करने चालू कर दिए, यकीन मानिए सर वो धूर्त व्यक्ति भी सुधरना चालू हो जाएगा और कुछ दिन बाद आप देखोगे वो व्यक्ति बदले बदले से सरकार नजर आएंगे। ये होता है तारीफ की ताकत। तो तारीफ किसकी किसकी करने है? इसकी नहीं करना जो अच्छा कर रहा है, उसका तो करना ही है, कि जो अच्छा नहीं करना है उसकी भी तारीफ करनी है। प्यार है सभी, सबको तारीफ करो। ये सारी चीजें अगर आप करना चाहते हैं, किसी का मनोबल बढ़ाना चाहते हैं, किसी का उत्साह का संचार करना चाहते हैं, उससे काम करवाना चाहते हैं, उसे और बेस्ट करवाना चाहते हैं, उसकी तारीफ करो। तारीफ, प्रशंसा, मान सम्मान, ये सब कुछ करा सकते हैं। जो व्यक्ति सुस्त आलस नहीं कर रहा है काम, उससे भी करवाया जा सकता है, उसका ब्लड सर्कुलेशन बढ़ाया जा सकता है सिर्फ तारीफ कर करके। तो तारीफ किसकी कैसे करना है? हमें ग्रो लाइन की करना है तारीफ, जितना ज्यादा करोगे उतना बेनिफिट। अपलाइन की तारीफ करो, जितना आप कर सकते हो उसके अपलाइन की तारीफ करो। क्रॉस लाइन की भी तारीफ करना है, सॉबी सेंटर वाले की तारीफ करो। आपको पता है धूर्त बिल नहीं बना रहा है फिर भी तारीफ करो। सुपर जोन की तारीफ करो। बेस्ट एंड बेस्ट, बेस्ट आपका सेंटर बहुत अच्छा है सर, बहुत बेहतरीन है, एकदम जबरदस्त, माइंड ब्लोइंग, ऐतिहासिक, इस तरह से तारीफ करो। ये सिस्टम क्या, सिस्टम से बाहर की बात करें, फैमिली में आए तो बच्चों की तारीफ करें। कुछ भी अगर छोटा मोटा काम करे, बहुत जबरदस्त, ऐतिहासिक, माइंड ब्लोइंग, ये मेरे यही, मेरे मुंह से यही निकलता है, बहुत ही जबरदस्त, बहुत अच्छा, शाबाश, ये सब बच्चों में डालें। वाइफ की तारीफ करें, दोस्तों की तारीफ करें, पड़ोस पड़ोस की तारीफ करें, काम की कुछ न कुछ अच्छाई उनके अंदर दिखे उनकी तारीफ करो। अनजाने व्यक्ति को तारीफ करो। आप करके देखो सर, आदत डालो, लोग आपकी तरफ आकर्षित होना चालू कर देंगे, आकर्षण का नियम सिद्धांत चालू हो जाएगा अगर आप तारीफ में आदत डालेंगे। लेकिन बाहर की दुनिया में अगर बात करूं तो आलोचनाएं बहुत ज्यादा है।
मिशन के प्रति काम की तारीफ लोग नहीं कर पा रहे। एक लड़का चित्रकार था और वो एक अच्छी तस्वीर बनाए हुए, एक इंसान की तस्वीर बनाए उन्होंने अपने जिनसे सीखा था, जो गुरु जी थे या गुरुदेव बोल सकते, गुरुदेव से दिखाया, बोले की तस्वीर बनाए, बोले बहुत अच्छा, आप इसे चौराहे में लगा दो। उस तस्वीर को उन्होंने चौराहे में लगाया और उन्हें सोचा बहुत सारे लोगों से तारीफ मिलेगी, क्या किसी ने बनाया जो बहुत जबरदस्त बनाया, बहुत अच्छा होगा, बहुत अच्छा होगा। एक दिन गया, दो दिन गया, तीन दिन गया, किसी ने उसकी तारीफ नहीं की, न किसी उस पोस्टर के नीचे कुछ अच्छा लिखा, यार जिसने बनाया बहुत ही खूबसूरत बनाया है, कौन है व्यक्ति। तो तीन दिन बाद वो फिर आया अपने गुरुदेव के पास जिसे सीखा था वो, बोले गुरु जी मैं इतना मेहनत करके इतनी अच्छी पेंटिंग बनाई थी, इंसान की बेहतरीन पेंटिंग बनाया था, लेकिन तीन दिन हो गए किसी ने वहां कुछ लिखा नहीं, कोई तारीफ नहीं की, कुछ भी नहीं कहा। तो उस गुरु जी ने कहा ठीक एक काम करो, फिर दूसरे तस्वीर बनाओ, खूबसूरत तस्वीर बनाओ, मेहनत करो, फिर उसमें एक नीचे लाइन लिखना उस तस्वीर के नीचे। जैसे आप तस्वीर बनाओगे उस तस्वीर के नीचे लाइन लिखना, उस एक शब्द लिखना कि यहाँ इस तस्वीर में क्या क्या कमियां हैं, उस कमी में आप निशान लगाएं। ये जो तस्वीर मैंने बनाया है उस तस्वीर में आपको क्या क्या कमियां नजर आ रही है, उस कमियों के जगह में आप राइट का निशान या कुछ भी निशान लगाएं। ये लिख के आप बना के डाल दो। उस लड़के ने बहुत मेहनत की और एक बेहतरीन तस्वीर फिर बनाया इस बार, और उसको भी वही चौराहे में उस जगह में जहां पहले डाला था उस जगह फिर डाला, लेकिन उसके नीचे क्या था, वो कोटेशन डाला था कि इस तस्वीर में जो जो कमियां हैं उस जगह में आप सब निशान लगे। फिर एक दिन गया, शाम को गया, वो जिस दिन वो लटकाया था सुबह सुबह चिपकाया था वो पोस्टर को, शाम को जब गया तो पोस्टर देखने लायक नहीं था। क्यों? किसी ने यहां पे राइट मारा, इसके बाल थोड़ा ऐसा होना चाहिए, किसी ने आंख में निशान मार दिया, इसको आंख को ऐसा होना चाहिए, किसी ने नाक में निशान मार दिया, नाक थोड़ा सा छोटा होना चाहिए, किसी ने बोला बड़ा होना चाहिए, किसी ने कहा होंठ ऐसा होना चाहिए, किसी ने गाल ऐसा होना चाहिए, किसी ने गर्दन थोड़ा सा छोटा होना चाहिए, किसी ने लंबा होना चाहिए, हाथ ऐसा होना चाहिए। पूरे तस्वीर पे इतने सारे निशान हो गए, 100-200 से ज्यादा। वो हताश निराश फिर गुरुदेव के पास है, गुरुदेव देखो मेरी तस्वीर क्या हालत हो गई, क्यों हुआ पता है? क्योंकि बाहर की दुनिया में सिर्फ और सिर्फ आलोचना और आपकी कमी बताने वाले लोगों की कमी नहीं है। सिर्फ कमी बताने वाले लोग मिलेंगे। बोले ठीक है, उस लड़के को फिर बोला एक बार और तस्वीर और बनाओ। आपको 100 लोगों ने कमेंट किया है, एक तस्वीर और बनाओ। ठीक गुरुदेव, फिर तस्वीर बनाओ। फिर उसने एक तस्वीर बनाई और उसमें लिखा, इस बार कोटेशन लिखना कि इस तस्वीर में जहां जहां कमी है उन सबको आप सुधारें। फिर उसने वो सेम गुरुदेव का आज्ञा पालन किया और फिर वैसी वहां पे वो एक तस्वीर बनाई और वहां पे उन्होंने लगाया, लेकिन नीचे कोटेशन क्या था, इस तस्वीर में जहां जहां कमियां हैं उस कमी को आप सब सुधारें। सुबह से शाम हो गई, दूसरा दिन हो गया, तीसरा दिन भी हो गया, कोई व्यक्ति ने वहां पे निशान नहीं लगाया। वो तस्वीर जैसे था वैसे था। मैसेज क्या है? मैसेज ये है कि बाहर की दुनिया में सिर्फ आलोचना कमी ढूंढने वाले लोग मिलेंगे, लेकिन आप सबको
यहाँ पे किसी व्यक्ति के अंदर अच्छाई ढूंढना है, उसकी तारीफ करना है। अगर उस नीचे लाइन में लिख दिया था इसे आप जिस व्यक्ति ने बनाया बहुत ही जबरदस्त बनाया, उम्दा बनाया है, ऐतिहासिक बनाया है, कितना खूबसूरत बनाया है, उसे मैं मिलना चाहता हूं, उससे सीखना चाहता हूं, ऐसा कहीं कोटेशन लिखा रहता तो वो व्यक्ति जो एक सामान्य सा लड़का दिख रहा था वो आने वाले बहुत बड़ा चित्रकार बन के इस धरती में उभरता। तारीफ, एक तारीफ करके आप किसी के अंदर की प्रतिभा को भी बाहर निकाल सकते हो, खोई हुई शक्ति को बाहर निकाल सकते हो। ये बाहर की दुनिया में सिर्फ आलोचना आलोचना, बुराई बुराई, तो हमें इस पॉइंट को अंदर डालना है, हमारे जीवन में ये चीज अपनाना चाहिए, तारीफ करना है हर व्यक्ति के जो गुणों की तारीफ करना है, उसकी काम की तारीफ करना है, काम का मान देना है, काम को सम्मान देना है। अगर आप ये करना चालू कर देंगे तो आपका बिजनेस ऐसे ही बढ़ना चालू हो जाएगा, लोग आपको पसंद करना चालू कर देंगे। जब आप लोगों को तारीफ में अच्छा अच्छा बोलेंगे, इट मीन आप भी अच्छे होते जाओगे, आप भी अच्छे बनते जाओगे, और जिस दिन आप अच्छे अच्छा बोल बोल के आपके अंदर वो जो संस्कार आना चालू हो जाएगा, आदत में शुमार हो जाएगा, तो लोग आपकी तरफ आकर्षित होंगे, लोग आपकी बात मानेंगे, लोग आपके साथ ज्वाइन करना चाहेंगे और बिजनेस आपका ग्रोथ करना चालू कर देगा। तो डे बाय डे आपको क्या करना है, तारीफ करना है और सिर्फ तारीफ करना है। फेसबुक में आप कुछ पोस्ट डालते हैं, आपका ग्रुप का कोई पोस्ट डालता है, तारीफ की लगता है, तारीफ करें। तारीफ में 4-5 से 10 पॉइंट है, उसको याद कर लो, जबरदस्त, ऐतिहासिक, सुंदर, गजब, लाजवाब, बेहतरीन, सुंदर। आप कोई पोस्ट डालो, आपके नीचे कमेंट आता है, दिल में हाथ रख के बताना कैसा लगता है, क्या गजब, ऐतिहासिक, बेस्ट, सुपर, क्या लगता है, फीलिंग क्या जाता है अंदर, यार किसी ने तारीफ किया, यार मैं डाला हूं, ये सुनो, नेक्स्ट बार आप डालोगे तो अच्छा ही डालोगे, कुछ उल्टा सीधा नहीं डाल सकते। तो आपको क्या करने, काम की प्रेरणा मिल रही है, प्रोत्साहन मिल रहा है, आप प्लान दिखा रहे हो, कोई आपकी तारीफ करे, कैसे लगते हैं, और अगली बार सर पेस्ट और बेस्ट करके आऊंगा। आप वीडियो बनाते हो, लोग आपको कमेंट्स करते हैं, बहुत जबरदस्त, बेहतरीन, तो आपको नेक्स्ट और बनने कराने की मूड बना चाह रहा, और इसके बाद और बेस्ट करूंगा सर इसका, ये सुनो, तो आप तारीफ करें, आपके पोस्ट है उसकी तारीफ करना चालू। मैं बता रहा हूं, तारीफ कर करके एक टेढ़े व्यक्ति को भी सुधारा जा सकता है सिर्फ तारीफ करके। तो आप सब तैयार हैं तो कार्य तारीफ करना चालू करें, कोई आदत में आप शुमार करें और धुआंधार एडिफिकेशन, अपलाइन की भरपूर तारीफ करें, ग्रो लाइन की भरपूर तारीफ करें, क्रॉस लाइन की भरपूर तारीफ करें, टुडे की तारीफ करें, प्लान की तारीफ करें, जितना हो सके आप तारीफ बाहर की दुनिया के लोगों की तारीफ करें। आप किसी के घर में गए और घर की आप तारीफ करना चालू करें, क्या खूबसूरत घर बनाया, उसके अंदर देखना एक अलग से चेहरे में चमक आए, हमने किया नहीं है ना, तारीफ करो, क्या रहे सभी, तो आप तारीफ करें और तारीफ करें। आज का एक विशेष मंत्र आप सब लें और तारीफ करना चालू करें, तो आप सब जितने भी साथी हैं, चाहे आप लाइन का हो चाहे ग्रो लाइन का हो, अभी 1 मिनट के नीचे का कोई भी वीडियो बनाए और आप तारीफ करें। ग्रो लाइन की काम की तारीफ कर सकते हो, आप लाइन की तारीफ कर सकते हो, सेंटर के भी तारीफ कर सकते हो,
फैमिली का भी तारीफ कर सकते हो। तो तारीफ का वीडियो बनाया, प्रशंसा मान सम्मान का वीडियो बना के आप डालें आज, चारों तरफ तारीफ ही तारीफ तारीफ ही तारीफ, कि देखना काम कैसे होगा, जबरदस्त होगा, ऐतिहासिक होगा, आप छा जाओगे, क्योंकि ये बेहतरीन गुण आपके अंदर डलने वाला है। दूसरों की प्रशंसा करना, दूसरों के मनोबल को ऊंचा करना दुनिया का सबसे बड़ा पुण्य काम है। ये किसी की तारीफ करना ईश्वर आराधना के आसपास है, किसी के मनोबल को ऊपर करना ईश्वर की आराधना के आसपास है, किसी के अंदर ऊर्जा का संचार कर देना ईश्वर की आराधना के आसपास है। किसी व्यक्ति के मनोबल अगर नीचा हो गया है, हताश हो गया, निराश हो गया, उसकी तारीफ कर करके उसको करवा देना, इससे बड़ा पुण्य काम है धरती में नहीं। आप कर सकते हो, आप कर सकते हो, आप में काबिलियत है, आप कर सकते हो, मुझे लगता है आप कर सकते हो, आप जबरदस्त करोगे, मुझे भरोसा है, आपके अंदर वो टैलेंट है, आपके अंदर योग्यता है, आप क्या बोलते हो, आप क्या चलते हो, ऐसा बोल बोल के एक नकारे व्यक्ति को भी कामयाब किया जा सकता है। ये दुनिया का सबसे पुण्य काम है, वो आप काम करें। तारीफ पे तारीफ, तारीफ पे तारीफ, काम की प्रशंसा में, अगर हम काम की प्रशंसा में अगर शहीद हो जाएं तो भी गम नहीं, काम की प्रशंसा में अगर हम लोग शहीद हो जाएं तो भी गम नहीं, सिर्फ तारीफ तारीफ और तारीफ। तो आज के बाद इस नियम का पालन करें। तो आपने बहुत पैसे धैर्य से मुझे सुना, इसलिए भारी हूं। जय हिंद, जय भारत, जय जय।